हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार आप लोग? समझे, वीडियो स्टार्ट होगी? वीडियो नहीं स्टार्ट हुई, सब्सक्राइब करो यार, करो सब्सक्राइब, वीडियो स्टार्ट होने वाली है, सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद एन अदर व्लॉग। तो यार कंसिस्टेंसी देख रहे हो, मतलब परसों एक व्लॉग डाला, कल एक व्लॉग डाला और आज दोबारा एक व्लॉग डाल रहे हैं। खैर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक सीरियस टॉपिक, और वो टॉपिक इतना सीरियस है कि लोग इसको भूल जाते हैं। और खैर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोगों को कॉम सेट्स क्यों चूज़ करनी चाहिए। देखें, जब भी कोई इंसान कॉलेज लाइफ से निकलता है, यूनिवर्सिटी लाइफ में कदम रखता है, तो उसे कुछ ड्रीम्स होते हैं। मेरा भी एक ड्रीम था। खैर ये टॉपिक शुरू करने से पहले कि आप लोगों को कॉम सेट्स क्यों चूज़ करनी चाहिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखें, जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो आपको दो किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एक तो ये कि आपका एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और दूसरा ये कि आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो। लेट सपोज आपका कॉम सेट से भी एडमिशन हो गया और आपका किसी और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो गया, तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी ऑप्ट करनी है, मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कॉम सेट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इस्लामाबाद कैंपस की बात करता हूँ, बाकी कैंपस का मैं कैसे बता सकता हूँ। कॉम सेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको शुरू के सेमेस्टर में रगड़ा खुद देना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को खुद खींचेंगे, और अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि यार मैं अपने आप को खींच सकता हूँ पढ़ाई की तरफ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं जो कहूँगा यार एंड में पढ़ेंगे ना, टेंशन क्या है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि मैं अपने आप को खुद रगड़ा दे सकता हूँ, एंड में तो रगड़ा मिलता ही मिलता है, ठीक है, एंड में टीचर्स का भी एक रगड़ा होता है और एंड में आपको पढ़ाई का भी रगड़ा मिलता है, लेकिन शुरू में आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। ये कॉम सेट्स में एक आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आप इसको समझें, एक तरीके से एडवांटेज भी है कि आप अपने आप को खुद रगड़ा देना सीख जाते हैं, कि अपने आप को खुद किस तरह खींचना है पढ़ाई की तरफ। डिसएडवांटेज ये है कि आप अपने आप को अगर ढील देते हैं तो फिर आप DI होकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सीरियसली। देखिए बात दरअसल ये होती है कि अगर आप कॉम सेट्स में आ रहे हैं तो आपको तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर फैकल्टी डिपेंड करती है फ्रॉम टीचर टू टीचर। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो फैकल्टी आप किसी भी एक बंदे से डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी भी एक बंदे को आप देख के ये कह दें कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। सेम इज़ द केस विद कॉम सेट्स। फर्ज करें आप कॉम सेट्स में एडमिशन ले लिया, आपके पांच कोर्सेज, जैसे मेरे पांच कोर्सेज थे पहले सेमेस्टर में, तो पांच कोर्सेज के पांच टीचर्स की अलग अलग अपनी नेचर थी, अलग अलग अपनी साइकी थी, और अलग अलग अपना पढ़ाने का तरीका था। कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि क्या कॉम सेट्स में वेट लिफ्टिंग होती है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि वेट लिफ्टिंग मैं किसे कह रहा हूँ, तो जरा मेरी वीडियो रिफाइंड करें तो आपको पता लग जाएगा कि वेट लिफ्टिंग मैं असल में किसको कहना चाह रहा हूँ। तो फेवरेटिज्म और वेट लिफ्टिंग की अगर बात की जाए तो कॉम सेट्स में ये है, कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं भी है, लेकिन अगेन मैं यही बात कहूँगा कि डिपेंड करती है टीचर से टीचर तक। देखिए अब मैं आप लोगों को देता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरे पहले सेमेस्टर में थे पांच कोर्सेज, पांच कोर्सेज मतलब पांच अलग टीचर्स, और पांच अलग टीचर्स का मतलब ये है कि पांच टीचर्स की एक अलग अलग पढ़ाने की टेक्निक और अलग अलग पढ़ाने का तरीका, अलग अलग टीचिंग स्टाइल था, ठीक है। ये बात तो समझ आती थी, और ये बात हर कोई आराम से बंदा समझ जाता, नॉर्मल बंदा भी ये बात समझ जाता है, लेकिन यहाँ वो इंपॉर्टेंट है वही, लेकिन बात यहाँ पर शुरू होती है कि फेवरेटिज्म कहाँ पर शुरू होती है। देखें अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे नंबर लेने वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे GPA लेने वाले स्टूडेंट हैं, तो टीचर ये कर ही नहीं सकता, और ना ही ये किसी यूनिवर्सिटी में होता है कि टीचर किसी को जो चाह रहा हो उसको भी आप ज़्यादा नंबर दे दे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये बात पागल है, तो पहले तो कहते हैं फेवरेटिज्म होती है, फिर तो कह रहे हैं फेवरेटिज्म होती नहीं है। तो मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि फेवरेटिज्म किस लेवल की और किस टाइप की होती है। फेवरेटिज्म ऐसी होती है कि एक बच्चा बैठा हुआ है क्लास में, पूरी क्लास हो रही है, एक सर पढ़ा रही है हमें, ठीक है, सर अगर हम इसको इस मेथड से भी कर लें तो ये सवाल हो जाएगा, सर अगर हम इसको दूसरे तरीके से कर लें ये सवाल हो जाएगा, मतलब सर की नज़र में अच्छा आना। ये डिपेंड करता है टीचर पे। कुछ लोग इससे इंप्रेस हो जाते हैं, कुछ लोग इसको घास भी नहीं डालते, समझ रहे ना मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली सर के सामने अच्छा बनना, ये आ जाता है फेवरेटिज्म में, और कुछ टीचर जिसको अच्छा कंसीडर करने के लिए बच्चे के साथ करते हैं फेवरेटिज्म। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स होते हैं डांटे, उनसे आप सवाल करते जाओ, तरह तरह के सवाल करो, तरह तरह की बेटरिंग करो, वो आपको घास तक नहीं डालते। मसलन फर्ज करें मेरा आज एक सब्जेक्ट का पेपर है, मैं आज सर को पूरी दुकान भी खरीद के दे दूँ ना, सर कहेंगे अच्छा बेटा बहुत शुक्रिया, सर ये नहीं पूछेंगे भाई काम क्या है, सर ये नहीं कहेंगे कि क्या चाहिए, सर कहेंगे ओके भाई बहुत शुक्रिया, ओके अल्लाह हाफिज़। बस ये टीचर्स होते हैं जो कि डांटे होते हैं, जिनको आप जो मर्जी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इन टीचर्स को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। खैर बात कहाँ थी, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बात सिंपली है कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाए ना, तो टीचर से कभी भी बिगाड़ के रखें, ये एक अलग चीज़ है फेवरेटिज्म से हट की चीज़ें, क्योंकि टीचर से बिगाड़ के रखेंगे, टीचर का माइंड आप खराब करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको फेफ तो मिला ही मिला। तो अब बात यह है कि आपको कॉम सेट्स कब ज्वाइन करनी चाहिए। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको शुरू में रगड़ा अपने आप को खुद देना पड़ता है। मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मेरे दोस्त हाईटेक में हैं, कुछ मेरे दोस्त नर्स में हैं, कुछ मेरे दोस्त UET में, ताकि मैं उनका माहौल और उनकी चीज़ें भी आप लोगों को उनकी ज़बानी बता सकूँ। खैर दिस वॉज ऑल अबाउट इट, आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।